नमस्कार एंड वेलकम टू वन मोर एपिसोड। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ गवर्नमेंट्स। सरकारें जो होती हैं उनके जो फैसले अद्भुत होते हैं, अनोखे होते हैं, कुछ बहुत ही अनयूजुअल होते हैं। हालांकि हर फैसला नागरिकों के हक में ही लिया जाता है, बट जब आप उसको अंदर तक जाके देखें तो ये समझ नहीं आता है कि ये किसके हक में ये फैसले लिए गए। ऐसा ही एक फैसला था कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का। अभी हाल ही में 20 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे गहरी खुशी है, मैं भी पूर्वांचल से ही आता हूं और इस हवाई अड्डे के बनने से यहां का विकास होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम अभी तक 8 नए हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में खोल चुके हैं और जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी काम तेजी से जारी है और आगे चल के हम नए हवाई अड्डे अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती में भी बनाएंगे। एक तरह से उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे बनाने की होड़ सी लग गई है। अगर आपको पता होगा कि पूरे दक्षिण भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तमिलनाडु में चेन्नई, तेलंगाना और आंध्रा में एक ही है हैदराबाद, कर्नाटक में सिर्फ एक है बैंगलोर, केरला में कोचीन मेजर एयरपोर्ट है, एक दो छोटे हैं, महाराष्ट्र में बंबई है, तो पूरे इलाके में आपको 4-5 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं मिलेंगे। यहाँ केवल उत्तर प्रदेश में ही 3-4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के निवासियों को मुबारकबाद, कुशीनगर के निवासियों को भी मुबारकबाद नए हवाई अड्डे बनने का। दिस एयरपोर्ट इज मेड इन मिडल ऑफ नोवेयर। ये ऐसी जगह है जहां कुछ भी नहीं है और ये यहाँ क्यों बना, यही हम आज देखेंगे। तो मेरा एक बड़ा बेसिक सा सवाल है कि कुशीनगर में एयरपोर्ट की क्या जरूरत थी। कुशीनगर में जो एयरपोर्ट बना है वहां पे एक रनवे बनी है 3200 मीटर की, जिस पर बड़े जहाज उतर सकते हैं। 4 एप्रन है, यानी कि 4 स्लॉट्स हैं जहां हवाई जहाज खड़े किए जा सकते हैं। 3600 स्क्वायर मीटर का पैसेंजर टर्मिनल है और 300 पैसेंजर्स पर आवर, पर प्रति घंटा यहां पर पैसेंजर लोड हैंडल किया जा सकता है। कहते हैं इसकी जो कीमत है वो केवल 260 करोड़ रुपए है और ये एयरपोर्ट का जो मालिक है वो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वही इस एयरपोर्ट को आगे भी चलाएंगे। कुशीनगर के बारे में मैं आगे और भी बताऊंगा, बट पहले आप देख लें कि कुशीनगर एयरपोर्ट की लोकेशन कहां पर है। आप गूगल मैप्स पर जाइए और वहां से डिस्टेंस देखिए गोरखपुर एयरपोर्ट का, तो ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर के करीब का वो दिखाता है और अगर आप इसको रोड से तय करेंगे तो करीब करीब 1 घंटे में ये डिस्टेंस तय हो जाता है। अगर आप इस सड़क को और अच्छा कर देते तो ये शायद आधे घंटे में भी पूरा हो सकता था। और बड़े बड़े शहरों में घर से एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो 30-40 किलोमीटर होना बहुत बहुत ही मामूली बात है। जैसे मेरा घर हैदराबाद एयरपोर्ट से अगर शहर के बीच से जाएं तो 48 किलोमीटर पड़ता है और अगर हम यहाँ की जो आउटर रिंग रोड है उससे मैं जाऊं तो 110 किलोमीटर उस पे तय करना पड़ता है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर भी एक रनवे है, 9000 फीट की लंबी रनवे है, यहाँ पे भी बड़े जहाज उतर सकते हैं। यहाँ पे भी 4 एप्रन पर स्लॉट्स हैं हवाई जहाज खड़े करने के लिए। पैसेंजर टर्मिनल यहाँ का जो है वो कुशीनगर से बहुत बड़ा है, यहाँ पे 23,500 स्क्वायर मीटर का पैसेंजर टर्मिनल है और 200 पैसेंजर पर आवर यहाँ पर पीक लोड है। इसका कॉस्ट नहीं मालूम है। इस एयरपोर्ट का मालिक जो है वो है इंडियन एयरफोर्स, लेकिन ऑपरेशंस देखते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
यहाँ अगर साइड में जो मैंने ग्राफ दिखाया है वो आप देखें तो पहले गोरखपुर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बहुत ही कम हुआ करता था 2015-16 में, लेकिन जब से योगी सरकार आई इस एयरपोर्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ गई और सडनली यहाँ पे जो है ट्रैफिक जो है काफी बढ़ गया है, जो कि आप करीब 6 लाख पैसेंजर पर ईयर का ट्रैफिक ये एयरपोर्ट अब देखता है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर फिलहाल 68 फ्लाइट्स पर वीक ऑपरेट करती हैं और दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। इतने पास में एक मेजर एयरपोर्ट होते हुए भी ये कुशीनगर क्यों बनाया गया? जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार कहा जाता है कि ये इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट था और यहाँ एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये कोई इसका बहुत कन्विंसिंग आंसर नहीं है, क्योंकि ऐसे तो दिल्ली पालम भी एयरफोर्स का था और 2006 में एयरफोर्स को वहां से हिंडन भेजा दिया गया था और पूरा एयरपोर्ट जीएमआर को दिया गया था। कश्मीर के सारे एयरपोर्ट्स इंडियन एयरफोर्स के हैं और फिर भी वहां पर सिविलियन उड़ाने अच्छी खासी नंबर्स में जाती हैं। लॉर्ड बुद्धा ने अपने आखिरी दिन यहीं पर बिताए थे एंड दिस इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन करीब करीब 35-35.5 लाख है, लेकिन कुशीनगर शहर जो है जहां पर ये एयरपोर्ट बना है वो बहुत ही छोटा है, वहां की पॉपुलेशन केवल 22,214 है। अभी यहां पे रेलवे स्टेशन नहीं है, नियरेस्ट जो बड़ा रेलवे स्टेशन है वो गोरखपुर है। और अगर आप मेक माई ट्रिप या ट्रिप एडवाइजर देखेंगे तो केवल 5 होटल्स यहाँ पर उस पर आते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही ऐसा होटल है जो बड़ा दिखता है यहाँ पर, जिसका नाम आता है होटल इंपीरियल, और ये नहीं पता उसमें कितने कमरे हैं। तो ये बहुत ही एक छोटी जगह है। थोड़ा सा इस इलाके की ज्योग्राफी के बारे में जान लें। कुशीनगर आता है यूपी के पूर्वांचल हिस्से में, ये घिरा हुआ है 3 जिले महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया से। महाराजगंज जुड़ा हुआ है नेपाल से। बुद्धिस्ट सर्किट जो के माना जाता है उसमें थे 6 प्रमुख स्थान हैं: लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, नालंदा, कुशीनगर को छोड़ के। ये इनमें से 2 स्थान नेपाल में हैं, 2 बिहार में और अन्य 2 यूपी में हैं। ये सभी स्थान कुशीनगर से 200-250 किलोमीटर के रेडियस में है कपिलवस्तु को छोड़ के। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का जो एरिया है वो यहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं। यहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है वो यूपी की एक पर कैपिटा इनकम से भी बहुत कम है, करीब करीब 60%, और हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम से 1/3 के करीब है। बहुत ही बैकवर्ड और बहुत ही गरीबी का ये एरिया है। यहाँ पे मोस्टली जो है जो ऑक्यूपेशन है लोगों की वो फार्मिंग है। इस हवाई अड्डे का जो डिसीजन है वो किसी एक पार्टी या एक सरकार ने नहीं लिया, ये काम चल रहा है 2008 से, जहां जबकि मायावती की सरकार थी, उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार आई 2012 से 17 तक और 2017 से अभी तक योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इस दौरान केंद्र में भी सरकारें बदली 2004 से 9 तक और फिर बाद में 2014 तक यूपीए की सरकारें रही और 2014 से अब तक एनडीए की सरकारें रही हैं। तो ये एक मिला जुला डिसीजन है, ये कोई एक ही गवर्नमेंट ने ये निर्णय नहीं लिया है। अब जरा जल्दी से इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन देख लें। ये प्रोजेक्ट कंसीव किया था मायावती जी ने 2008 में। उनका प्लान ये था कि एक छोटी सी एयर स्ट्रिप है यहाँ पर, कैसिया जगह है, वहां पर एक 2000 मीटर की एक छोटी एयर स्ट्रिप थी, उसको अपग्रेड करके बड़ी रनवे बनाएंगे और 700 एकड़ जगह में 850 करोड़ की लागत से एक हवाई अड्डा यहाँ पे बनाया जाएगा। उद्देश्य ये था कि बुद्धिस्ट यहाँ पर ज्यादा आते हैं और बुद्धिस्ट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
2009 में यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया मायावती जी ने, जो कि मैत्री प्रोजेक्ट था, जिसके अंतर्गत लॉर्ड बुद्धा की, महात्मा बुद्ध की एक बहुत ऊंची स्टैच्यू बननी थी, करीब करीब 500 फीट ऊंची, द सिटिंग बुद्धा। और ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था मैत्री, वो लोग उन्होंने ये बनाना था, जिसके लिए जमीन सरकार ने किसानों की लेनी शुरू कर दी थी। उसमें प्रोटेस्ट हुए और ये, मैं इस प्रोजेक्ट में आज नहीं जाऊंगा, अभी वो शेल्व हो चुका है, योगी आदित्यनाथ जी ने आके वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया है। बट उस समय ये दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे से जोड़े गए थे और इसीलिए वो हवाई अड्डा भी वहां पे बनाने के लिए उन्होंने सोचा था। 2010 में मायावती सरकार ने ILFS को इस प्रोजेक्ट का कंसल्टेंट नियुक्त किया। उन्होंने पूरी प्रोजेक्ट स्टडी करी और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, उनसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेकर आए। उसके बाद सरकार वहां पर 2012 में बदल गई, वहां पर अखिलेश यादव आए। उन्होंने इसको, प्रोजेक्ट को जब रिवाइव करने की बात की तो देखा कि ये अनवायबल था, इसलिए उन्होंने फिर से इसकी कॉस्ट को वर्कआउट करने को कहा और इस बार इसकी कॉस्ट का एस्टीमेट आया 350 करोड़, और जिसमें केवल 550 एकड़ की जमीन ही जिसमें जरूरत थी। तो 2013 में ILFS ने नई रिपोर्ट पेश की, उसमें कॉस्ट आई 354 करोड़, उसमें कुछ वायबिलिटी कैप जो मैं बाद में बताऊंगा उसकी भी बात की गई और टेक्निकल बिड्स इनवाइट की गई। 15 पार्टियों ने इसमें बिड किया था उस 2013 में, जिसमें GMR, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचीन शिपयार्ड, कुछ ऐसे बड़े नाम भी थे। 2013 में ही अखिलेश यादव सरकार ने ये यहाँ पर 550 एकड़ जमीन अक्वायर की किसानों से, जो जिसमें कहा जाता है 180 करोड़ रुपए दिए गए थे, और उसको फेंस कर दिया गया। उसी रिपोर्ट की मैं आपको एक दो झलकी दिखाता हूँ। उसमें ये बोला गया था कि गोरखपुर एयरपोर्ट, जो 50 से 51 किलोमीटर दूर है, वो यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये एक एयरफोर्स बेस है। दिस इज अ फनी पार्ट ऑफ दैट रिपोर्ट। ये कहा गया कि 150 किलोमीटर रेडियस में कोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। आई एम नॉट श्योर ये 150 किलोमीटर क्या मापदंड है। और ये भी कहा गया कि जो गोरखपुर एयरपोर्ट है वहां पे सिर्फ 16 लोग ही अराइवल या डिपार्चर एक टाइम पे कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत था। कुशीनगर पर IFLS ने जो ट्रैफिक का एस्टीमेट दिया है, वो पहले साल में उन्होंने कहा है कि 2.5 लाख टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। ये अगर आप वर्कआउट करें तो पर डे ये करीब करीब 684 टूरिस्ट है, जो कि 6 या 7 एयरबस 320 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट उसमें ही आएंगे। ये भी एक जो फिगर है ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है। करीब 8-9 एयरबस एयरक्राफ्ट आज आके गोरखपुर एयरपोर्ट पर आज की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन टेक्निकल बिड्स के बाद फाइनेंशियल बिड्स किसी ने भी नहीं दी। किसी भी कंपनी को सरकारी जो आंकड़े थे उस पर विश्वास नहीं था। सरकार की कई कोशिशें रही कि कॉस्ट कम की जाए, लेकिन फिर भी कोई भी प्राइवेट प्लेयर सामने नहीं आया, जो कि PPP मॉडल सोचकर वहां की सरकार चली थी उसमें वो असफल रहे। इस सब के बीच में 2015 में ही उत्तर प्रदेश सरकार और AIA ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वहां की यूजर डेवलपमेंट फी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 1300 रुपए पर पैसेंजर होगी और डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए 200 रुपए होगी। ये 2015 में ही निश्चित कर दिया गया था। मई 2015 में किसी तरह एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मना लिया गया कि वो ही इस एयरपोर्ट को बनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि डिटेल हम वर्कआउट करेंगे और फिर एक MOU साइन किया जाएगा। इस बीच ये प्रोजेक्ट
डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से हटाकर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इससे जो टूरिज्म वाला एस्पेक्ट था वो भी खत्म कर दिया गया। 5 मार्च 2019 को एमओयू साइन हुआ। 4 अक्टूबर 2019 को जो प्रॉपर्टीज थी वो ट्रांसफर कर दी गई AAI के नाम, और उत्तर प्रदेश सरकार ने काम शुरू करने के लिए 190 करोड़ रुपए दिए। फाइनली 20 अक्टूबर को, जैसा कि मैंने कहा, इसका उद्घाटन हुआ। तो 2015 से 2019 के बीच में ये 4 साल में क्या हुआ? 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सिविल एविएशन एक पॉलिसी जिसका नाम था रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम या उड़ान पॉलिसी लेकर आए, जिसमें अनकनेक्टेड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट सर्व करने के लिए एयरलाइंस को इंसेंटिव दिए गए थे। यूपी सरकार ने थोड़ा इंतजार किया, जब ये पॉलिसी आई थिंक अक्टूबर में आ गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी अलग एक पॉलिसी सिविल एविएशन की बनाई, जो कि 2017 में बनाई गई, उसका काम शुरू किया। इसमें जैसा के बोलते हैं, द डील बिकेम स्वीटर, जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया उसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारी फैसिलिटीज एयरलाइंस के लिए प्रॉमिस की। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि 1% वैट जो है वो कम रहेगा एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर, लैंड की कीमत उस प्रोजेक्ट में नहीं जोड़ी जाएगी, यानी कि फ्री दिया जाएगा, और जो एयरपोर्ट पर जो सर्विसेज हैं वो भी 10 साल तक बिल्कुल फ्री होंगी, ना तो ऑफिस का रेंटल लिया जाएगा ना ही एयरक्राफ्ट पार्किंग की फीस ली जाएगी। यहाँ तक के जो बिजली पानी और दूसरी अन्य यूटिलिटीज हैं लाइक सिक्योरिटी और फायर सर्विसेज, वो भी एयरलाइन से उसकी कीमत नहीं ली जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, जो केंद्रीय सरकार 20% देती है, उसके ऊपर से उत्तर प्रदेश सरकार 20% और देगी, ये भी इस पॉलिसी में बोला गया। वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है कि जो अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट है, अगर आप वहां उड़ान भरते हैं तो कुछ सीट्स के लिए आपको एक सर्टन अमाउंट सरकार रिफंड कर देती है। इसमें से 3 क्लॉज और भी ऐसे जोड़ दिए गए, जिसमें जो नॉन VGF सीट्स हैं, जो कि वायबिलिटी गैप में नहीं आती हैं, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि अगर वो चाहे तो 100% सीट्स पर भी वायबिलिटी गैप फंडिंग वो दे सकती हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। इसके अलावा 30% जो सीट्स हैं उसको सरकार अंडरराइट करेगी, इसका मतलब उसका पूरा पैसा एयरलाइन को उत्तर प्रदेश सरकार देगी, चाहे उस पर पैसेंजर हो या ना हो। और ये जो सीट्स हैं जो कि अंडरराइट करेंगे वो यूज करेंगे वो जो अपने ऑफिसर्स हैं, सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनके ट्रैवल के लिए। Now it's everybody's guess that who is going to travel, कौन से सरकारी अफसर हैं जो कुशीनगर से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बाहर से फ्लाइट्स आएंगी तो ऑब्वियसली कोई सरकारी अफसर उसमें नहीं जाएगा, तो ये बहुत ही अभी अनक्लियर है। लेकिन इसका फायदा जो है वो उन एयरलाइन को जरूर होगा जिन्हें यहाँ पर परमिट किया जाएगा। एंड इट्स नो सरप्राइज टू सी दैट SpiceJet is the first one to announce flights out of Kushinagar. SpiceJet ने 26 नवंबर 2021 से अपना शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैंने बोले हैं। और लास्ट में चलते चलते मैं आपको टूरिस्ट ट्रैफिक जो इंडिया में आता है उसकी एक झलक दे दूं। ये फिगर्स आपको हर जगह बताए जाएंगे। 2019 में करीब 18 मिलियन 1.8 करोड़ टूरिस्ट इंडिया में आए थे। टूरिस्ट ट्रैफिक इंडिया में करीब 7% से सालाना बढ़ रहा है। अगर इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे तो देखेंगे रफली 10.9 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर, ये हैं फॉरेन टूरिस्ट, बाकी जो हैं NRIs होते हैं।
तो एनआरआई जो है वो जनरली पिलग्रिमेज के लिए नहीं आते, वो फैमिली विजिट के लिए आते हैं। दूसरी चीज ये है जो कि आपको हमारी जो टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है, करीब 70-80% लोग जो है वो बिजनेस के लिए आते हैं, 10-12% मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, और एक बहुत ही छोटा जो फिगर है वो है जनरल टूरिस्ट का, जो कि पूरे देश घूमने के लिए आते हैं। अब उसमें से कितने बुद्धिस्ट टूरिस्ट हैं और कितने कुशीनगर जाएंगे, मेरे हिसाब से ये फिगर जो है वो बहुत ही फिलहाल तो छोटा है। हाँ, स्कोप जरूर है, बढ़ सकता है, लेकिन वो सब कुशीनगर एयरपोर्ट के बनने से बढ़ेगा या नहीं, ये आगे हमें देखना है। टॉप 5 स्टेट्स जो है इंडिया की, वो सबसे आगे तमिलनाडु है, जहां पे करीब 22% टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं। सेकंड पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। आपको सरप्राइज होगा कि तमिलनाडु क्यों है सबसे ज्यादा, इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मेडिकल टूरिज्म का है और टेंपल टूरिज्म का है। मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं तमिलनाडु में आज की तारीख में फॉरेनर्स के लिए सबसे सस्ती हैं। जहां तक कुशीनगर एयरपोर्ट की कॉस्ट का सवाल है, तो डेफिनेटली 260 करोड़ से कहीं ज्यादा है। 2012 में जो जमीन 180 करोड़ की खरीदी गई, उसकी कीमत आज कितनी होगी? उसके बाद 140 करोड़ का वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है उत्तर प्रदेश सरकार देगी, और उसके बाद जो अन्य सारी सुविधाएं हैं जिसकी फ्री कॉस्ट है, अगर आप वो सब जोड़ लेंगे तो ये 1000 करोड़ के ऊपर जाके बनेगी, जिसको सरकार आज सिर्फ कह रही है कि 260 करोड़ लगे। तो इज देयर एनीथिंग इन दिस प्रोजेक्ट मोर देन व्हाट मीट्स द आई? एक अनवायबल प्रोजेक्ट है जिसको इतना सस्ता दिखाया जा रहा है, और ना ही वहां पे कोई ट्रैफिक है, बगल में गोरखपुर एयरपोर्ट उससे ज्यादा बिजनेस करता है, तो मेरा सवाल फिर वही, यहाँ पर बनाने की जरूरत क्या थी? ये मेरी समझ में तो नहीं आया। आपको अगर कोई कमेंट है तो जरूर भेजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।